हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चंडीगढ़ टीजीटी एग्जामिनेशन के बारे में। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, चंडीगढ़ टीजीटी की आप प्रिपरेशन करा दीजिए, चंडीगढ़ टीजीटी के बारे में कुछ बता दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ टीजीटी वाले कैंडिडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उनको अपने सिलेबस की प्रिपरेशन कैसे करनी है और मैं कौन से टॉपिक्स आपको कराऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट आए थे कि आप प्रिपरेशन करा दीजिए। तो प्रिपरेशन कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी, आपको कैसे कॉमन सेक्शन की प्रिपरेशन करनी है। तो मेनली ये जो वीडियो है ये रहने वाली है कॉमन, जो आपका कॉमन सेक्शन रहेगा उसके बारे में, जो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको 40% मार्क्स लेने ही लेने होंगे, अदरवाइज आपका एग्जाम चेक भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल भी रहेगी, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो व्यूज वगैरह के लिए बना रही हूँ, मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बोल देते हैं कि आप तो व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे व्यूज के लिए वीडियो बनानी होती तो मैं आपको पढ़ाती नहीं, मैं ऐसे ही वीडियोज लेकर आती जिससे मुझे बहुत सारे व्यूज मिले। मैं आपको बहुत सारी क्लासेस कराई है, बहुत सारा कंटेंट पढ़ाया है, तो वो व्यूज के लिए नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो जिसको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है सिर्फ वो ही इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपका फायदा ही होगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, या फिर मैं आपकी जितनी हेल्प कर पाऊंगी मैं उतनी ही आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी जितना भी मुझे पता होगा, ठीक है। तो आपको पता है आपका एग्जाम जो है वो 150 मार्क्स का रहता है, ठीक है, जिसमें से 50 मार्क्स का कॉमन सिलेबस रहता है और 100 मार्क्स का आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रहता है, ठीक है। तो अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो स्पेशली टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए ही ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया है कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट इस वीडियो का जो मेरा मोटिव है इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, साथ साथ ये बताऊंगी कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कॉमन सेक्शन में मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की, तो ये टोटल अगर हम लगाकर चलते हैं तो टोटल आपका 12 क्वेश्चंस आते हैं और 12 क्वेश्चंस आपके 12 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। अगर हम मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो आप इतना लगाकर चल सकते हैं सारे 4-4-4 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन रीजनिंग के और 4 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि बहुत छोटा सा सिलेबस है, जैसे आपके 4-4 मार्क्स का सिलेबस रहेगा, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की भी नीड नहीं है, और आप इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगा, सारा का सारा सिलेबस पढ़ने की नीड नहीं है आपको। तो अगर हम मैथ्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ऐसे स्पेशली मेंशन तो नहीं किया गया कि कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट जब इन्होंने जो स्पेशल एजुकेटर का जो भी सिलेबस दिया था उसमें कुछ टॉपिक्स मेंशन किए थे, तो उसके बारे में मैं बता देती हूँ, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको बताऊंगी जो आपको जरूर कर लेने हैं। जैसे अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स का चाहे कोई भी एग्जाम हो, कुछ टॉपिक ऐसे है जो हर बार ही एग्जाम में पूछे, ठीक है, तो हर बार ही आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सीआई का टॉपिक है, एसआई का टॉपिक है, एसआई सीआई टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो हर बार ही एग्जाम में आते हैं, फिर चाहे आपने कोई भी एग्जाम दिया हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो। फिर प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, ये दो टॉपिक और भी ऐसे है जो हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसे आपके ये चार टॉपिक्स हो जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट जितने भी एग्जाम्स लेता है उसमें इनके फेवरेट टॉपिक रहते हैं ज्योमेट्री का टॉपिक और मेंसुरेशन का टॉपिक, ठीक है। तो ये दो टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से अपने हाथों पर कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ 4 मार्क्स का सिलेबस रहेगा, 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, तो हम नहीं करके जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको इसमें क्या करना है, बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी का टॉपिक भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इतने भी टॉपिक्स कर लेते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन के सम होते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं यही कर लीजिएगा, ये सफिशियंट रहेंगे। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में आपको जैसे ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, सिलोलिज्म का टॉपिक है, सिलोक्स होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन का टॉपिक होता है, डायरेक्शन हर एग्जाम में आती है, ब्लड रिलेशन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, एक वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं,
एक वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि इन वर्ड्स में इस वर्ड को ये कहा गया है, इन वर्ड्स में ये वर्ड को ये कहा गया है, तो बताइए इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन भी जरूर आता है। पिछली बार जो चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ था टीजीटी का, उसमें वो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तीन चार वर्ड में क्वेश्चन लिखा होता है, बाद में उसकी डिकोडिंग लिखी होती है, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको कह रही हूँ। उस टॉपिक का मैं नाम भूल गई हूँ, कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत इजी सा होता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगर मिसिंग नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है, नंबर सीरीज की बात कर लेते हैं, और जो अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज होती है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे फिगर काउंटिंग का टॉपिक है, नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है जिसमें मिरर के क्वेश्चन होते हैं, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो रीजनिंग में बस आप इतने ही टॉपिक कर लीजिएगा। ये तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, कभी आप सोचे कि चार नंबर का है तो चार टॉपिक ही करके जाएंगे, ऐसा नहीं सोच रहा है। जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये तो आपको जरूर से जरूर कर लेने हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी के पास ज्यादा टाइम है तो वो अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि जनरल अवेयरनेस में हम कैसे प्रिपरेशन करें, तो जनरल अवेयरनेस की बहुत सिंपल सी बात मैं बता देती हूँ। मैंने ना जनरल अवेयरनेस मंथली करा रखा है, अगर आप उतना भी कर लेंगे बहुत सफिशियंट रहेगा। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जनरल अवेयरनेस की हमारे चैनल पर, जहां पर करंट अफेयर के नाम से मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस के नाम से मिलेगी। ठीक है, उसमें सारा का सारा करंट अफेयर ही देखने को मिलेगा। अभी आज शाम को आपको जनवरी की करंट अफेयर देखने को मिलेगी, जनवरी 2024 की। कल की क्लास में आपको फरवरी की करंट अफेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे करके मैं आपको करंट अफेयर मंथ वाइज कराती जाऊंगी, तो आप आज की क्लास भी देखना नहीं भूलिएगा। आज शाम तक आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आज अपलोड नहीं कर पाती हूँ मैं, तो कल आपको जरूर से जरूर क्लास देखने को मिलेगी। तो आप करंट अफेयर हमारे चैनल से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है इसके अलावा, तो आप कोई ना कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, इतना पढ़ लेंगे 4 मार्क्स में बहुत सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी 12 मार्क्स की तैयारी। इसके बाद अगर हम आईसीटी की बात करते हैं, आईसीटी के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि हम आईसीटी कहाँ से पढ़े, आईसीटी करा दो मैम, आईसीटी करा दो। जब आईसीटी मेरा टॉप सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं कैसे आईसीटी का टॉपिक आपको करा सकती हूँ, कैसे आईसीटी का सिलेबस करा सकती हूँ। जो सिलेबस मेरा है वो मैं आपको करा रही हूँ, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड करा रही हूँ, जनरल अवेयरनेस बहुत सारा करा रखा है, आगे भी कराती रहूंगी। बट आईसीटी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। जैसे आईसीटी में आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आपको ल्यूसेंट पढ़नी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चंस भी इसमें नहीं पूछे गए हैं आईसीटी के। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपको अपनी तैयारी अपनी तरफ से बेस्ट करनी है। और क्योंकि ये जो है आईसीटी आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है, तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। पहले आप बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, जैसे ल्यूसेंट की बुक पढ़ लीजिएगा। मैंने बार बार वीडियो में यही बोला है, ल्यूसेंट की बुक पढ़ लेना 2-3 बार। अगर आप ल्यूसेंट की बुक की सिर्फ रीडिंग भी ले लेते हैं और उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं बता देती हूँ, उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लेना, या फिर आपको जहां से भी अच्छा लगता है किसी भी चैनल से कहीं से भी कंप्यूटर जो है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख लेना, या फिर आप कुछ टॉपिक्स है जैसे ईमेल का टॉपिक होता है, नेटवर्क्स का टॉपिक है, वेब का टॉपिक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सेल है, ठीक है, पावर पॉइंट है। इसके साथ साथ जैसे एब्रीवेशंस होती हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको कर लेने हैं। बेसिक ल्यूसेंट की बुक तो करनी ही करनी है, बट इसके साथ साथ आपको ये टॉपिक भी करने हैं। ठीक है, तो आईसीटी में आपके 12 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर कर लेना, चाहे वो कहीं से भी करना, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करना। इसके बाद अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे चैनल पर बहुत सारा मैंने करा रखा है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उतना आपके लिए बहुत सफिशियंट रहेगा, आप बस वही कर लेना। उसके साथ साथ जैसे मैं प्रैक्टिस सीरीज लेकर आती हूँ, उन क्वेश्चन को करना, अपने आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। आप जितने क्वेश्चन अपने हाथों से सॉल्व करेंगे उतना आपका फायदा होने वाला है, उतने क्वेश्चन आपके करेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। बट उससे पहले आपको सारी थ्योरी पढ़नी है। जितने क्वेश्चन मैं कराती हूँ वो कर लेना, क्योंकि उसमें फुल एक्सप्लेनेशन भी होती है, और मान लीजिए कोई हमारा पॉइंट किसी वीडियो में रह गया था तो वो प्रैक्टिस वाली क्लास में कवर हो जाता है। तो आपको बस टीचिंग एप्टीट्यूड में यही कर लेना है, सारा मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी की,
तो मैं हिंदी के बारे में बता देती हूँ, हिंदी 5 मार्क्स की रहेगी, इंग्लिश आपके 5 मार्क्स की रहेगी और पंजाबी आपके 4 मार्क्स की रहेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि जो पंजाबी है, पंजाबी क्या मतलब इसके पंजाबी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है या हम एक जरूर से जरूर करने हैं या हम इसे छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ पर कोई भी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको सभी सब्जेक्ट कवर करने हैं, बट यहाँ पर ये कंपल्शन जरूर है कि आपको 50 में से 20% मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, सॉरी 40% मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं। अगर आप 40% मार्क्स नहीं लेते हैं तो आपका एग्जाम भी चेक नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर 40% मार्क्स लेने हैं। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो कर लेने हैं। तो अगर हम पंजाबी की बात करते हैं, पंजाबी 4 मार्क्स की रहेगी। मान लीजिए अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक भी कहीं से पढ़ा है तो भी आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। मान लीजिए किसी को बिल्कुल भी पंजाबी नहीं आती तो ये छोड़ दो, बाकी जितने टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, उसमें आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो इतने अच्छे से तैयारी कर लेना। अब मैं आपको इंग्लिश और हिंदी के बारे में बता देती हूँ। इंग्लिश में जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में यहाँ पर वोकैबुलरी ज्यादा देखने को मिलती है, जो चंडीगढ़ के एग्जाम से वोकैबुलरी भर भर कर पूछते हैं, तो आप ये 2-2 क्वेश्चंस लगाकर चल सकते हैं। 5 मार्क्स की है तो 3 वोकैबुलरी के क्वेश्चन, 2 ग्रामर के क्वेश्चन आप लगाकर चलिएगा, ठीक है। वोकैबुलरी में जैसे आपसे 1 वर्ड पूछ लेगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा, आइडम्स फ्रेजेस पूछ लेगा, या फिर आपसे जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, होमोनिम्स पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक होता है वोकैबुलरी का, वोकैबुलरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रामर में कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे नरेशन है, वॉइस है, आर्टिकल है, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए 5 मार्क्स के, और मैंने ना सारी वोकैबुलरी करा रखी है मेरे चैनल पर ट्रिक्स के साथ कराई हुई है, किसी का मन करे तो देख लेना। बाकी कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे नरेशन का टॉपिक है, एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक है, इसके साथ साथ आर्टिकल का टॉपिक मैंने कराया हुआ है, कुछ 2-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेंगे तो वो मैं करा दूंगी, ठीक है, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम लगेगा। मैं अभी कुछ और टॉपिक्स भी आपको करा रही हूँ, जैसे करंट अफेयर करवा रही हूँ, इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड करा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट्स करा रही हूँ। हिंदी की क्लासेस मैं कंटिन्यू कर दूंगी, हिंदी मैंने पहले कराई थी बट मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने वो क्लासेस कंटिन्यू नहीं की। अगर आप कहेंगे कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक मैं आपको हिंदी के करवा दूंगी। हिंदी में अगर आप बात करते हैं तो वर्ण विचार का टॉपिक कर लीजिएगा, हिंदी में वर्ण विचार के साथ साथ जैसे संधि का टॉपिक कर लेना। संधि की बात करते हैं, संधि के बाद आप टॉपिक कर सकते हैं, जैसे मुहावरे हैं, लोक उक्तियां हैं, इनमें से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इतने कर लेंगे। वर्ण विचार का टॉपिक कर लेंगे, जैसे विशेषण है ये कर लेंगे, संज्ञा कर लेंगे, और समास का टॉपिक है वो कर लेंगे, तो उतना भी आपका सफिशियंट रहने वाला है। तो हिंदी इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स कर लेना जितने मैंने आपको बताए हैं, तो यहां से आपका पूरा 50 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आपका 50 मार्क्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। इतना करने के बाद ये बहुत ज्यादा दिन की कहानी नहीं है, एक एक दो दो दिन में भी सारा हो जाएगा। मान लीजिए एक दिन में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर दिया, सॉरी 2-3 दिन में कर दिया आपने टीचिंग एप्टीट्यूड कवर, वो ज्यादा नहीं है। इसमें आपको वो एक्सटेट सीटेट वाली सीडी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़कर जाइएगा। हाँ, बट पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया था जैसे लर्निंग थ्योरीज में से क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे शायद जो सीडीपी में एक आधा क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट का, उसमें से भी थे, तो बेसिक है वो आप वैसे भी कर लेंगे। बट यहाँ पर मेनली आपको फोकस रहना है टीचिंग एप्टीट्यूड पर, कि आप एक टीचर आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, डिस्कवरी बेस्ड टीचिंग क्या होती है, एक टीचर कैसा होना चाहिए, उसको क्लास को कैसे संभालना आना चाहिए, एनईपी क्या है, एनईपी 2020 क्या है, एनसीएफ क्या है, दीक्षा पोर्टल क्या है, स्वयं प्रभा पोर्टल क्या है, ऑनलाइन पोर्टल्स क्या क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको उतने ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है, 2-2, 3-3 दिन एक सब्जेक्ट को देंगे तो भी आपका सिलेबस बहुत इजीली कवर हो जाएगा, और बाद में आप अपनी तैयारी जो अपने मेन सब्जेक्ट को दे सकते हैं। मेन सब्जेक्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कट ऑफ में ऊपर आना है तो आपको मेन सब्जेक्ट पर भी फोकस रहना पड़ेगा, और आपको इनको भी नहीं भूलना है, आपको ये सारे के सारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो यही मुझे बताना था आपको। और मैं क्लासेस की बात करती हूँ तो करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगी, इसके साथ साथ हिंदी की क्लास में कंटिन्यू कर दूंगी। जब हमारी हिंदी की क्लासेस हो जाएंगी कुछ ही टॉपिक्स करा दूंगी मैं सिलेक्टेड से, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर हिंदी की क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद हम इंग्लिश की क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पहले हिंदी की क्लासेस होंगी, ठीक है।
टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हो रही हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, करंट अफेयर की क्लासेस हो रही हैं, इसके साथ साथ हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू कर लेंगे। तो जितना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उतनी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। और तब तक के लिए थैंक यू, चैनल के साथ बने रहिए।